वंडर्स दुनिया के 7 अजूबे, उनका रेप्लिका यानी कि छोटा रूप यहाँ पे बनाया गया है। और रियल में तो हम 7 अजूबे बामुश्किल ही देख पाएंगे, तो ऐसे में कोटा में जाके हम ये देख सकते हैं। ओपनिंग टाइम इसका 2:30 बजे से ओपन होता है और रात के 10 बजे तक ओपन रहता है। एंट्री फी 10 रुपये है और यहाँ पे हम आराम से इवनिंग टाइम में और स्पेशली वीकेंड पर संडे के दिन इसका आनंद ले सकते हैं। देखिए साइड में पूरी एक लेक है जो कि बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है, ग्रीनरी है, पानी है और 7 वंडर्स के रेप्लिकाज है। तो सबसे पहले जो आप एंट्री लेते हैं तो आपने देखा कि ये जो एक राउंड शेप में बिल्डिंग बनी हुई है, ये है कोलिजियम ऑफ इटली, रोम सिटी के अंदर इटली में ये एक थिएटर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि 80 AD में इसका कंप्लीट हुआ था काम। और इसमें 50,000 से 80,000 स्पेक्टेटर्स एट वेरियस पॉइंट है और करीब 65,000 की ऑडियंस इसमें बैठ सकती है। स्टेडियम लाइक स्ट्रक्चर है और इसके बीच में जो भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे उनको देखने के लिए करीब 65,000 ऑडियंस इसमें बैठ सकती थी। नेक्स्ट जो आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मिस्र का पिरामिड, मिस्र के विशाल पिरामिड है, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। ओके, तो ये भी एक वंडर है दुनिया का क्योंकि बहुत ही गजब का स्ट्रक्चर, काफी ज्यादा हाइट पे इसको उस जमाने में जब बनाया गया था तो ऑब्वियसली ये वंडरफुल तो होने वाला ही है। इससे नेक्स्ट जब हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि ताजमहल का रेप्लिका छोटा रूप जो कि इंडिया का ही है, आगरा में है, और उसका छोटा रूप यहाँ पे दिया हुआ है। काफ़ी लोग आगरा आसानी से पहुँच जाते हैं लेकिन फिर भी जो लोग नहीं पहुँचते उनके लिए यहाँ पे आप स्मॉल एक जो छोटा उसका रूप है वो देख सकते हैं। और शाहजहां ने जो मुमताज़ की याद में ये बनाया था तो ये भी दुनिया के 7 अजूबों में से एक है जो कि हमारे इंडिया में ही है और इसे आसानी से देखा भी जा सकता है, कहीं से भी आप आगरा पहुंच करके इसे देख सकते हैं। पार्क में अच्छी खासी ग्रीनरी आप देख सकेंगे और काफ़ी कुछ म्यूजिकल फाउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स भी इसमें बनाए हुए हैं और साथ ही बोटिंग का भी एक्सपीरियंस आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये पानी का जो स्ट्रक्चर है आप यहाँ पे डीजे बोट का आनंद ले सकते हैं। ये आप देख रहे हैं ताजमहल का रिप्लिका, सेम टू सेम ऐसा ही आप वहाँ पे देखेंगे जब आप आगरा में जा कर के वहाँ पे इस तरह का इसको फ्रंट व्यू जब आप देखेंगे तो सेम टू सेम आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ ये जो बीच सेंटर में जाने के लिए एक ब्रिज बना हुआ है, यहाँ से आप जाएंगे तो म्यूजिकल और डीजे बोट है, डीजे पार्टी आप कर सकते हैं पानी के अंदर। जल महल है, वहाँ पे जाने के लिए आप बोटिंग का ले सकते हैं। बहुत ही प्यारा नज़ारा है, चारों तरफ ग्रीनरी है, पानी है और एकदम पीसफुल शांत। सिटी के बीचों बीच होते हुए भी इतना पीसफुल रहता है ये प्लेस, तो काफ़ी आनंददायक है। बच्चों को साथ में लेके जाएं बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे स्टेचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। स्टेचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, US में, और ये भी एक
अजूबा है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन का पॉइंट है, क्योंकि इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है और 1865 में इसको बनाया गया था। 1878 में इसको कंप्लीट हुआ और मॉन्यूमेंट के रूप में इसको प्रेजेंट किया गया। 1886 28th ऑफ अक्टूबर 1886 में इसको डेडिकेट किया गया नेशन को, और तब से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड टैगलाइन के साथ ये एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड बना हुआ है। नहीं, बनाया गया था। नहीं, सेंटर सेंटर ऑफ मास उसका डिसाइड करते हैं, उसकी वजह से ही बनता है। चलो, कैथेड्रल इट इज 4 डिग्री लीन एंड द रिजल्ट ऑफ एनेस्टर फॉर्म। कहाँ पे है ये यार? पीसा पीसा कहाँ पे है? इटली इटली में है क्या? कहाँ लिखा हुआ? इटालियन टोरे फ्रेंजी डी पीसा। बारहवीं शताब्दी में इसको बनाया गया था और 14वीं शताब्दी में इसका काम कंप्लीट हुआ था। और इसका 5.5 डिग्री से झुकाव होने के कारण बिल्डिंग काफ़ी अनस्टेबल हो गई थी, जिसको 1993 से 2001 के बीच में स्टेबलाइज किया गया था रेमेडियल वर्क करके। और इसका जो 5.5 डिग्री का लीनिंग है, झुकाव है, उसको 3.97 डिग्री करके स्टेबलाइज किया गया था। और आगे हम चलेंगे तो हम देखेंगे एफिल टावर। एफिल टावर आपको मिलेगा फ्रांस के पेरिस शहर में, और 7 अजूबों की लिस्ट में ये भी बहुत पॉपुलर है। 1887 से 1889 के बीच में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था और टावर इज 330 मीटर टॉल एंड इट हैज 81 स्टोरी। इट इज एज मच एज हाई एज 81 स्टोरी बिल्डिंग्स। 81 मंजिला इमारत के बराबर की ऊंचाई जितना है। 330 मीटर का स्ट्रक्चर है, टॉलेस्ट इन पेरिस। एंड बेस जो है स्क्वायर है और मेजर्स इसके हैं 125 मीटर्स या 410 फीट ऑन ईच साइड। सबसे लास्ट में हम देखेंगे क्राइस्ट द रिडेमियर, और ये है जीसस क्राइस्ट की स्टैचू है, रियो डे जेनेरियो ब्राजील में ये स्थित है और इसको बनाया गया था फ्रेंच स्कल्पचर पॉल लैंडोवस्की ने। का निर्माण 1922 से 1931 के बीच हुआ और स्टैचू की जो हाइट है वो 30 मीटर्स यानी कि 98 फीट है, और 8 मीटर का इसका जो पेडेस्टल है उसके अलावा 30 मीटर इसकी हाइट है। स्टेचू का वेट 635 मैट्रिक टन बताया जाता है एंड 700 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी पे इसको स्थित किया गया है तिजुका नेशनल पार्क में,
ओवरलुकिंग टू द सिटी ऑफ रियो द जेनेरियो। ये एक सिंबल है क्रिश्चियनिटी का अराउंड द वर्ल्ड, और कल्चरल आइकन के रूप में भी इसको जाना जाता है। पहले ये सेवन वंडर्स में नहीं आता था, हाल ही में इसको न्यू सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इसको वोट किया गया है, और तब से सेवन वंडर्स की लिस्ट में ये शामिल है।